नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल चिचोली शराब ठेकेदार के गुर्गों की दिन दहाड़े गुंडागर्दी के मामले में एसपी को सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील चिचोली से है। पिछले दिनों एक ढाबे के कर्मचारियों के साथ चिचोली शराब के ठेकेदार के गुर्गों ने दिन दहाड़े बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में धाराएं बढ़ाई है। दरअसल घटना चिचोली थाना क्षेत्र के जीन दनोरा की है। 28 दिसंबर को ढाबे के कर्मचारियों के साथ शराब ठेकेदार के गुर्गों ने शराब बेचने को लेकर जमकर मारपीट की थी, जिसमें दो लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिचोली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। फरियादी रविकांत की शिकायत पर आरोपी ब्रजेश, विक्की कहार, हरीश, धीरज और एक अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अपराध पंजीबद्ध किया था। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों पर बलवा की धाराएं बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चिचोली थाना प्रभारी द्वारा काउंटर के कैसे बनाया गया, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा युवकों को किस तरह मारा जा रहा है। उसके बाद भी थाना प्रभारी द्वारा मामले की गंभीरता देखते हुए कार्यवाही नहीं की गयी। चिचोली थाना प्रभारी के विधि सम्मत कार्रवाई न करने के विरोध में आज यादव समाज के लगभग 2 सैकड़ा से ज्यादा लोग एक जुलूस की शक्ल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तथा चिचोली टीआई हटाओ के नारे लगाते हुए शराब के ठेकेदार के गुर्गों द्वारा अमानवीय रूप से यादव समाज के 2 युवकों को बुरी तरह मारपीट करने के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मारपीट करने वाले लोगों पर यदि पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है तो वे जन आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी द्वारा कहा गया कि पुलिस उक्त मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है? उमा कांत यादव। उमा, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? घटना ये हुई, मेरे को फोन आया दारू ठेकेदार साहब आपका, कि बोले आप आ जाओ दोनों भाई, आपसे मुझे बात करना है। बात करने बुलाया, हमने बात करी। उन्हें बोला कि दारू का ठेका तो मेरा है कि काम मेरा ब्रजेश पटेल देखता है। ब्रजेश पटेल जी को फोन लगाया हमने, बोले 1 घंटे बाद आओ और हमें ढाबे पे मिलो। हम जैसे उतरे तो गाड़ी से भी नहीं उतरे, गाड़ी में के अंदर आके हमको मारना चालू कर दिया। 3-4 लोग लोकल के थे, बाकी लोग सब बाहर के लाए वाले, इनमें गुंडे पाले वाले है और सब शराब ठेकेदार के लोग है, और दोनों भाई मर गए करके छोड़ के चले गए थे हम। फिर प्रशासन है, प्रशासन ने उठा के ले गया सर। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कुछ भी, इतना मारपीट होने के बाद काउंटर केस बना दिया। क्या कारण रहा ये मारपीट? सर, ये एक दूसरे से मिले हुए प्रशासन और दारू ठेकेदार। आपके साथ ये जो घटना हुई है ये किस कारण से हुई? क्या दारू के कारण हुई? सर, मैं इनकी दारू बेचना नहीं चाहता हूँ, पर ये जबरदस्त जी, हमारे खुद का छोटा सा ढाबा है, गांव में केसिया में है जी, और ये लाके दारू फेंक देते और हम बेचना नहीं चाहते इनकी दारू। इस चक्कर में हुई सर। सर, ये कम से कम 15 लोग थे जिसमें वीडियो में कम लोग आए हैं, उधर जो जितने लोग खड़े थे और ज्यादा लोग, जिसमें ब्रजेश पटेल, सचिन आर्य और अपने धारा जोशी, धीरज मालवी, छोटू गुजर और विक्की, आकाश गुजर, बाकी जो 4 लड़के नए थे उनको मैं सकल से पहचानता नाम से नहीं। ये जो कर्मचारी है शराब ठेकेदार जी, कहाँ के? सब ये सब बाहर के लोग है, भिंड मुरैना के, गुंडे पाले वाले, उनको रखे इसलिए। और हम दोनों भाई खाली से बात करने गए थे, इंडिया में इन्हें बहुत मारा मुझे। कैसे पहले भी कभी बातचीत हुई? अब सर ढाबा वाला हूँ, आते रहते बातचीत, उन्हें बात करने ही बुलाया था मुझे। मुझे ये नहीं पता था कि प्लानिंग से मारेगा, और जान से मारने की प्लानिंग थी। कहाँ की घटना है? सर, ये जीन पेट्रोल पंप है ना, कोटकोड़े पेट्रोल पंप के सामने ढाबे पे। पुलिस ने क्या कार्रवाई? अब बोले है एसपी साहब ने करते है कार्रवाई। क्या मामला बता? अभी तक तो काउंटर केस, अभी कुछ मामला बना नहीं। जिन लोगों ने मुझे मारा वो तो खुलेआम घूम रहे, आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। क्या चाहे? क्या चाहे? सर, मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरे भाई को बहुत ज्यादा लगी, आईसीयू में है अभी, और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उन लोगों। जी, क्या नाम आपको? कांति यादव। कांति जी, बताएं आज सब लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन देने क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? कुछ दिन पूर्व चिचोली के पास शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा यादव समाज के 2 युवकों को बड़ी बेरहमी से बर्बरतापूर्वक
मारा गया, जिसका वीडियो आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले ने देखा, और वो घटना के खिलाफ में पूरे सभी समाज में एक आक्रोश है कि जो जिस बहसी तरीके से एक एक व्यक्ति को चार चार लोग मार रहे हैं, बाद में पुलिस ने मामला भी साधारण धाराओं में कायम कर लिया था, साथ ही एक विडंबना थी कि दोनों पार्टियों पर काउंटर कर दिया, जिसमें एक पक्ष में एक व्यक्ति नागपुर में एडमिट है, दूसरा भी आप लोगों ने देखा कि पूरा शरीर उसका सूज गया है, इतने ज़्यादा उस पर मार पड़ी है, और उसके बावजूद उनके ऊपर भी वही धारा से मामला बन गया। तो लोग समाज में भी एक आक्रोश है और अन्य लोगों को भी ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी। तो हमारा एसपी साहब से यही कहना था कि भाई कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर कोई व्यक्ति शराब अवैध तरीके से बेचता भी है तो उसके खिलाफ भी आप 34(2) के तहत पुलिस, आबकारी विभाग सब कार्रवाई करे, लेकिन बाहर के लोगों को लाकर और यहाँ के लाकर इस प्रकार से मारपीट करना, एक शांतिप्रिय जिले में इस प्रकार की घटना होना बड़ी चिंतनीय है, और समाज के दो लोगों को जिस तरीके से मारा गया, तो सभी समाज के स्वजाति बंधुओं को गहरा आघात भी लगा, सब लोग आक्रोशित भी है। तो सब लोगों ने कहा कि हम ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कराएंगे कि कम से कम दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है, क्या बैकग्राउंड है? कोई बाहर के लोग है बता रहे हैं, लेकिन कोई शराब ठेकेदार है, ये मतलब कि मैनेजर के साथ जाके वो वीडियो में दिख रहे हैं सब लोग, तो पुलिस उनको चिन्हित भी कर रही है, वीडियो मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो आए है वो प्रशासन के पास है, उनको उनके पास उपलब्ध है, तो उसमें से वो चिन्हांकित करके नामजदगी के साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं। शराब ठेकेदार के चिचोली के बताए जा रहे हैं। कौन है वो ठेकेदार? चिचोली में ठेका जिन लोगों का भी है वो यहाँ पता हो जाएगा किसका किसके नाम पर दुकान है, ठेकेदार उन लोगों का ही है। पाइप वगैरह से मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है, उस पर पुलिस ने तत्काल ही FIR पंजीबद्ध किया है और कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की है, और इसमें चोट के आधार पर जो है उसमें जो भी अपराध बनता है पुलिस ने वो कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, इस पर पीड़ित पक्ष पे भी काउंटर मामला बनाया गया है, और चूँकि दो पक्षों के बीच का ये मामला था उसकी भी शिकायत थी, तो अपराध पंजीबद्ध किया गया, लेकिन इसमें वेचना के निर्देश दिए गए हैं, जो भी सही होगा उस पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। सर, जिन लोगों ने बर्बरतापूर्वक मारा है उनको किस प्रकार की कार्रवाई? मैंने अभी बताया ना कि अपराध पंजीबद्ध किया गया है, सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और कुछ क्यूरी भी की जा रही है, और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अगर धाराएं बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो भी बढ़ाई जाएगी।